YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और कैथल में प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा है। अभय चौटाला ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला पर निशाना साधा और उस बयान पर तंज कसा जिसमें सुरजेवाला ने कहा था कि उन्होंने कई नेताओं को सीएम बनवाया है। अभय चौटाला ने कहा कि सुरजेवाला अपने पिता को सीएम क्यों नहीं बना देते। अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं सीएम खट्टर पर हमला बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा कि उन्हें जनता के हितों की नहीं बल्कि इस बात की परवाह है कि प्रदेश के खजाने को कैसे लूटा जाए। अभय चौटाला ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल विज पर तंज कसते हुए कहा कि विज मीडिया के साथ टाइम पास करता है। अभय चौटाला ने बीजेपी और कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। हराने की बात है, हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि मेरी जानकारी में नहीं है। ये शर्म की बात भी है प्रदेश के लिए कि मुख्यमंत्री हर वक्त हर बात के ऊपर झूठ भी बोलते हैं। ये जो फैसला लिया गया था ये फाइल मुख्यमंत्री के पास गई और मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद ही ये फैसला लिया गया था। अनिल विज की अगर आप चर्चा करो तो मेरी ख्याल जो कोई देखेगा कि मैं अनिल विज की किसी बात का जवाब दे रहा हूँ तो मुझे भी यूँ समझेगा कि लगता है कि इनको भी कोई काम नहीं बचा। अनिल के पास विज के पास कोई काम नहीं है बेचारे पे, इसलिए वो सारा दिन आप जैसे लोगों से मुड़ के बात करके अपने जेल वहाँ जाते हैं, कहते हैं मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। उसकी एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ी, उसने कहा कि मैंने बहुत सारे मुख्यमंत्री बनाए तो फिर उसने अपने बाप को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया, उसको भी बनाना चाहिए। क्योंकि शमशेर सिंह सुरजेवाला तो बड़ा सीनियर मोस्ट लीडर था, फिर उसको क्यों नहीं बनाया। ये केवल और केवल लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं।